तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पे। दोस्तों, इस वीडियो में भी बात करेंगे एक मल्टी बैगर स्टॉक की, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक की, दैट इज़ अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। दोस्तों, इस स्टॉक में आज सुबह अच्छा ट्रेंड देखने को मिला था क्योंकि मार्केट की ओपनिंग भी अच्छी हुई थी। ये जो स्टॉक है 127 के लेवल तक चला गया था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती गई, ये स्टॉक भी नीचे गिरता गया। तो आप देख सकते हो आज इस स्टॉक ने मार्केट को ही फॉलो किया है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो देख लेते हैं। इस स्टॉक की आज जो क्लोजिंग हुई है 2% से गिरकर ये जो स्टॉक है 122.50 के लेवल पर क्लोज हुआ है। तो आइए इसका टेक्निकल चार्ट, वैल्यूएशंस का डाटा एक बार समझ लेते हैं। नए आए हो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले कंपनी की पीई मल्टीपल्स देख लो। पीई मल्टीपल्स 157 की हैं, जबकि इंडस्ट्री की पीई रेशो 43 की है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले ये स्टॉक बहुत ही महंगा है, इसलिए दोस्तों हाई वैल्यूएशन कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती हैं। कभी ना कभी इस स्टॉक में गिरावट तो आनी ही थी, तो आज एक मौका मिल गया। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। अब इसका टेक्निकल चार्ट जो है वो समझ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले इसमें गिरावट चल रही थी दोस्तों। इसने जो बॉटम फॉर्मेशन किया था दैट वाज अराउंड 109 के अराउंड बॉटम फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद एक ब्यूलिश रिवर्सल हुआ, लेकिन ये जो स्टॉक है 137 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। ये इसका वन मंथ का चार्ट पैटर्न है। ये देखो, यहाँ पर इसका डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला। यहाँ पर एक देख सकते हो, यहाँ पर एक गिरावट हुई, यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ, फिर कुछ रिवर्सल के बाद यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हुआ, लेकिन फिर इस स्टॉक में एक ब्यूलिश ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन ये जो स्टॉक है 137 के अराउंड एक रजिस्टेंस पेस कर रहा है, जिसके बाद अब इस स्टॉक में गिरावट चालू हो गई है। तो इसलिए अब इसको 109 से लेकर 110 के बीच में एक सपोर्ट बनता दिखाई दे सकता है। अभी करंट मार्केट प्राइस इसकी 122 की है। तो आने वाले दिनों में भी यदि गिरावट जारी रहती है, क्योंकि दोस्तों 100 से ऊपर जो भी पीई मल्टीपल्स है कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती हैं। तो इसकी तो पीई मल्टीपल्स 150 के अराउंड चली गई हैं, तो इसलिए इस स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इसकी स्टॉक की प्राइस पे जरूर फोकस रखें, क्योंकि दोस्तों यदि नंबर सही रहे, यदि इस दिसंबर क्वार्टर के नंबर ठीक आ गए, तो फिर तो इसकी पीई मल्टीपल्स एडजस्ट हो जाएंगी और फिर ये जो स्टॉक है रैली करता दिखाई देगा। लेकिन यदि नंबर इतने अच्छे नहीं रहे, तो फिर ये स्टॉक में गिरावट तो आनी अनिवार्य है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी को नए नए ऑर्डर भी मिले थे। कंपनी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, अच्छा काम करती है, तो ऑर्डर बुक कंपनी की स्ट्रांग है, जिसके कारण इस स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी तेजी आई थी। यदि 6 मंथ में देखें, अभी भी ये जो स्टॉक है 166% के मल्टी बैगर रिटर्न्स देता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप इसके दिसंबर के रिजल्ट चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। वन ईयर में भी 297% के रिटर्न्स हैं, तो हम यही कहेंगे आप थोड़ा वेट कर लो, वॉच कर लो। फ्रेश एंट्री बनाने से पहले आपको जो है इस कंपनी पर रिजल्ट्स जरूर चेक करना ज़रूरी है। तो जब भी इसके रिजल्ट्स आएंगे, हम जरूर इस पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों, अब इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री लेने से बचें। पहले से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते बैठे हो, तो आप इस स्टॉक को बॉटम में जो है वो बाई करते रहें, या इसको एवरेज करते रहें। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, पहले भी हम कई बार कवर कर चुके हैं। तो जो हमने आप शॉर्ट टर्म लेवल्स बताए हैं, 137 का एक रेजिस्टेंस है, जबकि 110 के अराउंड इसका एक सपोर्ट है। तो जब तक दोस्तों इसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ये जो स्टॉक है कुछ रेंज बाउंड काम करता दिखाई दे सकता है, जैसे कि इसके चार्ट में भी दिख रहा है। लास्ट फ्यू मंथ से इस स्टॉक में एक रेंज बाउंड काम होता ही दिखाई दे रहा है। कभी रैली होती है, फिर गिरावट होती है, फिर इसमें रैली गिरावट, तो इसी तरह का इस स्टॉक में ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है। एक कंसोलिडेशन जोन कहते हैं इसको, ये इसका कंसोलिडेशन जोन बन चुका है। 110 के अराउंड एक सपोर्ट है, जबकि 137 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल के साथ दोस्तों नहीं जुड़े हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस दोस्तों हम इस चैनल में आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस भी बनाते हैं और नई नई अपडेट्स लेके आते रहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी तो रहती ही है, इसलिए स्टॉक का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सो थैंक्स अगेन।